नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायमंजन में गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान हुई मौत से नाराज परिजनों ने शुक्रवार 11 दिसंबर 2020 को जमकर बवाल काटा। मृतका के परिजनों के गुस्से को देखकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायमंजन के सभी चिकित्सा कर्मी अस्पताल छोड़कर भाग गए। मृतका के परिजनों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायमंजन पहुंचने से पूर्व ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। मृतका के परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायमंजन का कोना कोना छान मारा, लेकिन ना तो कोई डॉक्टर मिला, ना एएनएम और ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मचारी ही दिखाई दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायमंजन के कर्मियों के गायब रहने की वजह से करीब आधा दर्जन प्रसव कराने आई महिला बेरंग वापस लौट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायमंजन के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विजय कुमार मात्र 2000 रुपए के लोभ में पीएचसी में डिलीवरी नहीं करवाते हैं और सीरियस बोलकर रेफर कर देते हैं। रेफर करने के बाद पीएचसी सरायमंजन के द्वारा एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायमंजन के एम्बुलेंस चालक पिंटू कुमार के पास एक निजी चार पहिया वाहन है, जिसमें भी पीएचसी प्रभारी का कमीशन है। इसलिए रेफर किए जाने वाले मरीज को एम्बुलेंस से ना भेजकर पीड़ित लोगों के मजबूरी का फायदा उठाकर निजी वाहन से भेजते हैं तथा मोटी रकम भाड़े के रूप में वसूलते हैं। साथ ही एम्बुलेंस चालक पिंटू कुमार को अपने सेंटिंग के अस्पताल समस्तीपुर स्थित जनता हॉस्पिटल में भेज देते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि 2 दिसंबर 2020 से लेकर 9 दिसंबर 2020 तक पीएचसी सरायमंजन में कुल 4 जजा बच्चा की मौत हो चुकी है, लेकिन पीएचसी के डॉक्टरों ने पीड़ित परिवार को डरा धमका कर मुंह बंद करा दिया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायमंजन यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अयाशी का अड्डा बन गया है। ताज़ा मामला के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार बेगूसराय जिला के विशनपुर गांव निवासी गंगाराम दास विगत कुछ वर्षों से सरायमंजन थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में अपनी बहन के यहां रहते हैं तथा फेरी लगाकर कपड़ा बेचने का काम करते हैं। 8 दिसंबर 2020 की देर रात करीब 4 बजे इनकी पत्नी दीपा कुमारी को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद परिजनों ने दीपा कुमारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायमंजन में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सूरज कुमार, एएनएम नीलू कुमारी तथा आशा बहू ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा बोलकर मृतका का छोटा ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद डिलीवरी तो हो गया लेकिन मृतका के प्राइवेट पार्ट से खून का फवारा निकल पड़ा और कुछ देर बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायमंजन में ही जजा बच्चा दोनों की मौत हो गई। मरने के बाद अस्पताल कर्मियों ने जचा बच्चा के सीरियस हालत बताकर रेफर कर दिया और एम्बुलेंस भी नहीं दिया, जबकि एम्बुलेंस पीएचसी परिसर में ही लगा हुआ रहा और उसी एम्बुलेंस चालक ने 2500 रुपया लेकर अपने निजी वाहन से समस्तीपुर में जनता हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने 20000 रुपया लेकर आधा घंटा इलाज का नाटक कर मृतका को मृत साबित कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार मृतका के शव को लेकर अपने पैतृक गाँव चला गया और उसका दाह संस्कार करने के बाद 11 दिसंबर 2020 को पीएचसी सरायमंजन पहुंचकर हंगामा करने लगे। अपने द्वारा की गई गलतियों का एहसास शायद डॉक्टर सूरज कुमार को हो चुका था, तभी तो पीड़ित परिवार के पीएचसी पर पहुंचने से पहले ही करीब आधा दर्जन पुलिस के जवान को अस्पताल परिसर में तैनात कर दिया गया था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सरायमंजन थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी सरायमंजन गंगा प्रसाद सिंह हंगामा कर रहे लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें समझाया, तब जाकर पीड़ित पक्ष के लोग शांत हुए। थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने पीड़ित पक्ष से घटना से संबंधित आवेदन लेते हुए दोषी लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। हल्ला मत कीजिए, मत कीजिए, कोनो बात हुआ? हल्ला बोले मत कीजिए। एम्बुलेंस का सिस्टम नहीं है, जो सारा पेशेंट अगर मर गया तो घर तक पहुँच देंगे, रास्ता में जाकर प्लस उतार देता, उसके बाद बोलता पूरा पैसा 4500-2500। बात क्या 2500 ले लिए, 2500 बोल के आधा रास्ता पहुँचा दिया, बोला लेंगे 4500।
हॉस्पिटल में तो एक भी स्टाफ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गए हुए हैं सब? खाने के लंच में गए होंगे। अगर अभी पेशेंट आ जाए तब क्या होगा? खाने में गए, लंच में गए हैं। सारा स्टाफ एक बार ही लंच में चला जाता है, जवाब दीजिए। सभी स्टाफ एक ही बार में लंच में जा सकता है, अगर इस टाइम अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तब? तो फिर सभी लोग कहाँ गए? सभी एक बार में ही चले गए? एक बार में थोड़े जाएंगे, कहाँ है? तो फिर कोई एक भी स्टाफ नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, जवाब दीजिए सर। 1000 रुपया के लिए और 2000 रुपया के लिए पेट खुलवाया जाता है साइडिंग से जी। एम्बुलेंस का भाड़ा जो है सो लिया जाता है, सरकारी एम्बुलेंस का भाड़ा 300 रुपया लिया जाता है, 250 रुपया लिया जाता है जी। ड्राइवर जो है सो दारू पी कर टेट रहता है। किसका? एम्बुलेंस का। हाँ, एम्बुलेंस का जी। और एक दुकानदार सामने में दुकानदारी करता है, वही ड्राइवरी भी करता है। क्या नाम है उसका? दवाई भी वही साइड से बेचता है। क्या नाम है? पिंटू कुमार, ठीक है। और उसके बाद जो है माननीय विजय बाबू अध्यक्ष जी से मेरा कहना है जी। मंत्री जी से जी, जी। कि जो इलेक्शन के बाद जो सिस्टम कर दिए हैं हॉस्पिटल का, जो एक भी जो है सो कर्मचारी टाइम से नहीं आता है। यहाँ का पदाधिकारी जो है जिनको 24 घंटा यहाँ रहना है वो 2 बजे शाम में आते हैं, पान खाते हुए, और 5 बजे शाम को घर चले जाते हैं। और यहाँ पर मैं लगता है 1 सप्ताह के अंदर में 4 हत्या हो चुकी है इस हॉस्पिटल में। कौन हॉस्पिटल है ये? सरारंजन ब्लॉक हॉस्पिटल हुआ जी जी। यहाँ 1 महीना के अंदर में 4 ठो केस ऐसा हो चुका है, 4 केस हो चुका है। 1000 रुपया कमीशन के लिए यहाँ पर मैं पेट खुलवाया जा रहा है जी। हाँ, इस चीज को देखने वाला कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ अय्याशी चलता है, छोरीबाजी चलता है जी। हाँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ इस हॉस्पिटल में। ताजा घटना क्या है? ताजा घटना है कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ, और नॉर्मल डिलीवरी हो जाने के बाद एकाएक पेट से ब्लडिंग चलना चालू हुआ। इनको बोलते रह गए रेफर लिखिए। जब हत्या के नौबत में आ गया, जब मुंह से गोद पोटा चल गया, उसके बाद इन्होंने रेफर लिखा, जो कि वो भी प्राइवेट गाड़ी से भेजा गया। ₹2500 यहाँ से हॉस्पिटल पर से फाइनल किए, 5000 वहीं रास्ता में मांग रहा था। उस समय एम्बुलेंस नहीं था? नहीं, एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। आपका नाम? मेरा नाम हुआ राकेश कुमार झा, सरारंजन। बच्चा होले बुझलिए ऑपरेशन करेलकै, छोटा ऑपरेशन होले, कल के बच्चा बढ़िया सोए जाए ताकि कहे कोई दिक्कत न होता। जब छोटा ऑपरेशन करके आ बच्चा माय के दोनों निकाल के दोनों बच्चों सीरियस कर दल के आओगा परसेंटों में सीरियस हो जाए, तीन तीन छोटा ऑपरेशन करके नस काट देते, ब्लड हो जाए पूरे शरीर का गिर गए। ओकर बाद कल के रेफर कर देते जल्दी जाइए दूसरे डॉक्टर। कौन रेफर कर दिया आपको? नर्स साहब, डॉक्टर साहब जी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की कहे वो पिंटू कुमार कर रहे, वो अपना गाड़ी में बैठा के जबरदस्ती ला गए। कौन डॉक्टर का नाम है वहाँ पर अलग लग, वहाँ पर की कहे सर कल के बच्चा वाला नहीं चाहेगा, नहीं छूब 20,000 रुपया कल के। पिंटू कुमार कहाँ ले गया, कौन चीज से ले गया? छोटा गाड़ी, गाड़ी है वो पिकअप रहे। पिंटू कुमार तो एम्बुलेंस ड्राइवर है सदर अस्पताल यहाँ PSC का। एम्बुलेंस नहीं ले गए, एम्बुलेंस वाला नहीं ले गए। कौन गाड़ी से ले गया? छोटा गाड़ी, एगो कोनो गाड़ी रहे पिकअप वाला। कहाँ ले गया? कहाँ ले गया वो? नामे हम भूल गए। आए यहाँ से पिंटू जो गाड़ी में ले गया, उसके बाद आपका पेशेंट को कहाँ रखा? एगो डॉक्टर वाला, कौन कौन डॉक्टर का नाम नहीं पता है, वहाँ पर अलग। कहाँ? समस्तीपुर ना, तो दूसरी गाड़ी जी। उसके बाद वहाँ से फिर कहे वो रेफर कर दल के वो जनता वाला में लगे दरबार वाला। जनता कहाँ? समस्तीपुर वाला। तो इतने करने में आपको पैसा भी लगा कि फ्री में इलाज हुआ है? पैसा अलग ले, पैसा नहीं रहे आदमी के गच्छा के वो पहले 20,000 मांगल के जी। तो वहाँ पर आदमी गच्छा दिले के लिए दे रहे पैसा जी। तो फिर परसेंट लेके उड़ गए, वहाँ पैसा मांगल के वहाँ गच्छा के आदमी से की कहे तब गलिए अलग तने आगे बढ़ लिया। कितना रुपया खर्च हुआ आपका? 70,000 रुपया, 40-50,000, 20,000 इन्ने, 20,000 उन्ने, 20,000 उन्ने, 70,000 रुपया खर्च हुआ खाली सब। और बाद उन्हें तो बचले। क्या हुआ उसके बाद? पेशेंट कहाँ?
खत्म कर दिए तो रखे हुए। कहाँ घर हुआ आपका? घर हुआ यहाँ कल्याणपुर। नाम? रुना देवी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल अड्डा बना हुआ है दलालों का, इसके विषय पर सर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो परिजन अभी आरोप लगा रहे हैं।